ब्रेक डांस में अच्छा लगता है, आपके फेवरेट वीडियो में नहीं। देख बिना ब्रेक, डाउनलोड टक ऐप। की उम्र में जब बच्चे जिंदगी में कुछ पाने के, कुछ बनने के सपने देखते हैं, तब राजकोट के काफी गरीब परिवार की जिग्नाशा को एक झटका मिला। रीढ़ की हड्डी में तकलीफ के कारण उसका चलना फिरना बिल्कुल बंद हो गया। जिंदगी में कुछ पाने की, कुछ करने की उम्र में तकदीर ने जिग्नाशा को बिस्तर का मोहताज बना दिया था। वैसे में जिग्नाशा की तकदीर बदली और अहमदाबाद सिविल अस्पताल के डॉक्टरों ने जिग्नाशा का मुफ्त में सफल ऑपरेशन कर उसे जीवन जीने की नई उम्मीद दी। वो राजकोट से हमारे यहाँ रेफर हुई थी। उसको एक जटिल प्रकार की बीमारी हुई थी, जिसमें जो अपनी जो सिर की खोपड़ी होती है उसके नीचे जो स्टार्ट होता है वर्टिब्रा, उसमें थोड़ा जो रेयर किस्म का डिजीज़ होता है, ऐसा एक डिजीज़ था जिसकी वजह से वो चल फिर नहीं पा रही थी। और वो हमारे पास आई और हमारे ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के जो डॉक्टर्स है, डॉक्टर मोदी और उनकी टीम ने ये ऑपरेशन किया, जो कि अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रकार की सर्जरी है, जो हमारी हॉस्पिटल में हमारे पास जो अद्यतन प्रकार के जो इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विपमेंट्स है तभी वो पॉसिबल हो सकता है, ऐसा ऑपरेशन है। और वैसे मैंने जैसे आपको बोला कि बीमारी भी रेयर किस्म की है, तो हमारे डॉक्टरों ने उसको ऑपरेशन करके सक्सेसफुली उसको रिवाइव किया और अभी वो बच्ची की जो तबीयत है वो एकदम रिकवर हो रही है और बहुत अच्छी उसकी तबीयत है और उसको हॉस्पिटल में से डिस्चार्ज कर दिया गया है। आपको बता दें कि जन्म से ही जिग्नाशा को ये तकलीफ थी, वो तकलीफ धीरे धीरे बढ़ती गई और जिग्नाशा को बिस्तर ने जकड़ लिया, उसका चलना भी बिल्कुल बंद हो गया था। तब राजकोट में जिग्नाशा को लेकर परिवार वाले इधर उधर भटके, पर किसी डॉक्टर ने हाथ नहीं थामा। मानो जिग्नाशा के परिवार के लिए सारे रास्ते ही बंद हो गए। तब राजकोट में किसी डॉक्टर की हिदायत के बाद परिवार लड़की को लेकर अहमदाबाद आया। अहमदाबाद के डॉक्टरों ने लड़की को अपने पैरों पर खड़ा होने का आत्मविश्वास दिलाया। ये बेसिकली 13 साल की एक बच्ची है जिग्नाशा करके, वो राजकोट में पढ़ती थी स्कूल में, सी वॉज स्टडिंग इन 7th स्टैंडर्ड। तो बचपन से उसको ये तकलीफ थी, C1 C2 वर्टिब्रा होता है जो रीढ़ की हड्डी में होता है ऊपर का हिस्सा, जिसको क्राउन बोलते हैं, स्पाइन वहाँ से ही स्टार्ट होता है एंड वो स्पाइन को स्टेबिलाइज करता है और सबसे मोबाइल जॉइंट है वो। तो उसको जन्म से उसकी तकलीफ थी, लेकिन नॉर्मली ये तकलीफ प्रेजेंट होती है प्री मीनार्कल, मतलब मेंसिस आने से पहले उसको वीकनेस डेवलप हुआ और फिर वो बेड रिडन हो गई 15 दिन से। तो उसके बाद वहाँ राजकोट में उसका MRI कराया सरकारी अस्पताल में, फिर उन्होंने बोला कि ये सर्जरी यहाँ अस्पताल में हमारे यहाँ फैसिलिटी नहीं है, आपको अहमदाबाद सिविल जाना पड़ेगा। तो उन्होंने वहाँ प्राइवेट में कंसल्ट किया, तो वहाँ पर खर्चा बहुत बताया, तो फिर वो लोग स्कूल हेल्थ कार्ड अंतर्गत यहाँ पर सिविल में आए और हमने उसका सर्जरी किया। 1.5-2 घंटे तक ये सर्जरी चली और हमारी पूरी टीम थी, मेरे साथ 2 स्पाइन फेलोज है, डॉक्टर हर्षिल है और डॉक्टर प्रतीक है, और मेरे रेसिडेंट्स थे नीरव, और ये मेरा पूरा टीम था सर्जरी में, और न्यूरो मॉनिटरिंग भी था साथ में और एनेस्थेटिक टीम भी थी। देखिए ऑपरेशन के बाद कितनी खुश है जिग्नाशा, कितनी खुशी है उसके चेहरे पर, अपने पैरों पर खड़े होने का कितना सुकून है। एक पल जिंदगी से हार मान कर बैठी जिग्नाशा को मानो नई जिंदगी मिली है। डॉक्टरों के मुताबिक अगर ऑपरेशन में थोड़ी सी भी चूक होती तो जिग्नाशा का बचना मुश्किल था, मगर गनीमत रही कि ऑपरेशन सफल रहा और जिग्नाशा अपने पैरों पर चलने लगी। जिंदगी से हार मानकर बैठी महज 13 साल की लड़की का सफल ऑपरेशन कर अहमदाबाद के डॉक्टरों ने उसे जीवन जीने की नई राह दिखाई और अपने पैरों पर खड़े होने का नया आत्मविश्वास दिलाया। कैमरा पर्सन साजिद आलम के साथ नियति त्रिवेदी, अहमदाबाद, गुजरात तक।